टीम इंडिया की WTC फाइनल में हार से हर कोई नाखुश है। पिछले 10 साल से भारतीय टीम ICC टूर्नामेंट्स में चोक कर रही है, खासकर की नॉकआउट्स में। चाहे भारतीय क्रिकेट फैंस हो या फिर क्रिकेटिंग दुनिया के एक्सपर्ट्स, सभी टीम इंडिया के सरेंडर से काफी निराश है। कोई टीम के सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा है तो कोई टीम की सोच और खेलने के तरीके को कोस रहा है। भारत की हार पर सभी अपनी अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं। इसी को लेकर वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स ने भारतीय टीम पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि भारतीय क्रिकेट में घमंड है। उन्होंने अपने बयान में कहा, इंडियन क्रिकेट में घमंड दौड़ता है और इसी वजह से वो दुनिया में बाकी सबको कम आंकते हैं। भारत को फोकस करना होगा कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, टेस्ट या फिर लिमिटेड ओवर क्रिकेट। T20 क्रिकेट अपने हिसाब से चलता रहेगा, उसमें बैट और बॉल के बीच ज्यादा मुकाबला नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ दिखाए। WTC फाइनल में मुझे कुछ भी बहुत अलग नहीं दिखा। रहाने ने कड़ी चुनौती दी, कुछ अच्छे शॉट्स खेले, इसलिए ज्यादातर बोल्ड या कट बिहाइंड होते हैं। विराट भी स्टार्क की एक अच्छी गेंद पर आउट हुए हैं। भारत के पास काफी दमदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने घर के बाहर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। एंडी रॉबर्ट्स के बयान को सुनकर एक बात तो साफ है, भारतीय टीम ने जिस तरह का खेल फाइनल में दिखाया है उससे वो बेहद नाराज है। हो भी क्यों ना, हर किसी को उम्मीद थी कि रोहित की कप्तानी और पुजारा विराट जैसे बल्लेबाजों के होते हुए शायद इस बार टीम इंडिया ICC ट्रॉफी जीते में कामयाब रहेगी, लेकिन टीम इंडिया के दिग्गजों ने एक एक कर सरेंडर कर फिर से करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।